हेलो एवरीवन, आज मास्टर स्टोरी टेलर रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही फेमस बुक आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के बारे में बातें करेंगे। ये वही बुक है जिसके लिए उन्हें इंडिया का मोस्ट प्रेस्टीजियस साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। इसमें 16 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहानियाँ हैं जो कि ऑथर के बचपन से लेके अब तक के टाइम स्पैन को कवर करती हैं। रीसेंट टाइम्स की तो कम ही हैं। ज़्यादातर कहानियाँ इसमें रस्किन बॉन्ड के ग्रोइंग अप ईयर्स की है। सफ़र शुरू होता है जावा से, जहाँ से उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा था अपने पिताजी के साथ। इस बारे में आगे बताऊँगी। और ये पहुँचता है इंडिया तक। इंडिया में ये सफ़र हमको अनेकों छोटे छोटे शहरों और प्यारे प्यारे गाँव के दर्शन करवाता है। बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन है, तो आपको लगेगा एकदम आप उन्हीं शहरों में रस्किन बॉन्ड के साथ जी रहे हैं। बुक की इंट्रोडक्टरी स्टोरी मेपल वुड में रस्किन बॉन्ड हमें मेपल वुड कॉटेज में ले जाते हैं, जहां वो मसूरी में रहते थे और वहां पर उन्होंने अपनी बहुत सारी कहानियां लिखी। वो वहां की यादें शेयर करते हैं और वहां के मीठे लोगों के बारे में कहानियां शेयर करते हैं। साथ ही ये दर्द भी शेयर करते हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ पर रास्ते बनाने के लिए, तो अब वो नेचुरल ब्यूटी खो रहा है। तो उन्हें बहुत ही दुख होता है कि मॉडर्नाइजेशन के चलते नेचर को ख़त्म किया जा रहा है। बुक की पहली स्टोरी एस्केप फ्रॉम जावा में रस्किन बॉन्ड अपने और अपने पिता के एक बहुत ही डेंजरस आइलैंड से बच निकलने की कहानी सुनाते हैं। किस तरह से वो वहाँ से स्ट्रगल फेस करते हुए निकले, मरते मरते बचे और फाइनली वो सेफली देहरादून पहुँच गए। ये वर्ल्ड वॉर टू के दौरान की घटना है, जब जावा आइलैंड पर ऐसा खतरा मंडरा रहा था कि जापनीज उसको एक्वायर कर लेंगे। इसको भी रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी कहानी में उकेरा है। इस बुक में कई सारी कहानियां हैं जिसमें रस्किन बॉन्ड अपने डे टू डे लाइफ में जिन भी लोगों से मिलते हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस होकर जो कहानी लिखते हैं। जैसे कि सेकेंड स्टोरी है बुक की, बेंट डबल बेगर। इसमें एक गणपत नाम के इंसान की कहानी है जिसके पास अथाह नॉलेज का समुद्र पड़ा हुआ है और वो उसको शेयर भी करता है। उस बंदे से इन्फ्लुएंस होकर रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी है। एक और स्टोरी है द लास्ट टोंगा राइड। इसमें रस्किन बॉन्ड जब बच्चे थे तब उनका एक टांगे वाला दोस्त हुआ करता था, बंसी, उसके बारे में कहानी है। बहुत ही प्यारे प्यारे इमोशंस इसमें उन्होंने उकेरे हैं, पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। फिर कैलिप्सो क्रिसमस नाम की कहानी में उन्होंने अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की कहानी बताई है, जिसमें उनका एक फ्रेंड जॉर्ज उनके साथ था। फ्रॉम स्मॉल बिगनिंग्स नाम की कहानी में प्रेम नाम के एक लड़के के स्ट्रगल की कहानी है। और गुड ओल्ड डेज नाम की कहानी में उनकी यादों की दास्तान है। ऐसी ही मीठी मीठी कई यादें जो उन्होंने समेट कर सहेज कर रखी अपने बचपन से, अपने एडल्टहुड से, उन सब के बारे में वो स्टोरीज लिखते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें रस्किन बॉन्ड का दर्द उभर के आता है जिससे वो गुजरे अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थे अपने फादर से। माँ से वो थोड़े से डिटैच्ड ही थे, तो पिताजी के जाने के बाद वो लगभग ऑर्फन हो गए थे या अपने को मानने लगे थे। इसके बाद उन्होंने प्रकृति में, हिल्स में, पेड़ों में अपना साथी तलाशना शुरू किया। वो नेचर से, पेड़ों से, प्रकृति से इतने ज़्यादा हिले हुए थे कि उनको जो मॉडर्नाइजेशन के चलते पेड़ों को काटा जा रहा था, जगह जगह सड़कें बन रही थी, पहाड़ काटे जा रहे थे, बहुत दर्द होता था उन्हें। बहुत ही ज़्यादा चिंता व्यक्त करी है उन्होंने कुछ कहानियों में इस बारे में। रस्किन बॉन्ड हमेशा ये मानते थे कि ये पहाड़ियाँ उन पर हमेशा ही मेहरबान रही हैं। उनके जैसे एक स्ट्रगलिंग राइटर को इन पहाड़ियों ने बहुत सारा संबल दिया है और मन की शांति दी है। इसीलिए वो सदा अपना आभार व्यक्त करते थे अपनी हर कहानी में। लगभग अपनी हर कहानी में ही वो हिल्स को मेंशन करते, उनकी सुंदरता, पेड़ों को मेंशन करते। सारे फुटहिल्स के जितने भी गांव थे, शहर थे, वहाँ के नेचर का बहुत ही सटीक और बारीकी से डिस्क्रिप्शन ज़रूर होता है रस्किन बॉन्ड की कहानियों में। ये उनका अपना एक तरीका है नेचर को या हिल्स को, उन पेड़ों को थैंक यू बोलने का जिन्होंने उसका साथ दिया जब उनके साथ कोई नहीं था। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा रस्किन बॉन्ड के संस्मरणों का कलेक्शन कहा जा सकता है, जो कि उनके चाइल्डहुड और उनके स्ट्रगलिंग ईयर्स, जिन जगहों पर रहे वो, जहाँ पर एज अ राइटर वो फ्लरिश हुए, जिन लोगों से मिले, इन सब जगहों के बारे में, लोगों के बारे में लिखी गई कहानियों का कलेक्शन। बुक की टोन ज़्यादातर जगहों पर उदासी भरी है, क्योंकि ये उनके अपने जीवन से इंस्पायर्ड स्टोरीज़ के ऊपर है।
यादों के ऊपर है। तो उन्होंने जो भी इमोशंस या दर्द फील किए वो उन्होंने कहानी में बयान किए हैं। हालांकि फिक्शन इसमें एडेड है, पर हम इसे आसानी से उनकी सारी बुक्स में से सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल इन्फ्लुएंस वाली बुक कह सकते हैं। लैंग्वेज एज यूजुअल बहुत ही सरल है, पर दिल को छू जाती है, जैसा कि उनकी सारी कहानियाँ होती हैं। ये बुक उस तरह की बुक है जो आपके दिमाग में, दिल में कई कई दिनों तक, महीनों तक रहती है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आप खुद रस्किन बॉन्ड की लाइफ में झांक रहे हैं। तो मेरे तो फेवरेट ऑथर हैं, इसलिए मुझे तो ये बुक बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से तो थम्स अप है और मेरी कलेक्शन में ये बुक ज़रूर आ रही है। अगर आपको भी छोटी, प्यारी, दिल को छू लेने वाली सरल कहानियाँ अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली आपके कलेक्शन में भी ये बुक होनी चाहिए। टाइम टू एंड द वीडियो नाउ। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग बाय सोनिया अडवाणी। टेक केयर एंड कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। बाय बाय।